रिको इलाके में युवती के मर्डर का मामला। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिले अहम सुराग। आरओ सेंटर से पानी खरीदने स्कूटी पर आया एक आरोपी। आरोपियों ने शहर के एक होटल से लिया था खाना। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर थाना आरोपियों को किया चिन्हित। कोतवाली पुलिस की टीम जयपुर में दे रही दबिश। युवती की गला काट कर की गई थी निर्मम हत्या। झुंझुनू शहर के रिको के आदर्श कॉलोनी में महिला की चाकू से वार कर हत्या करने के आरोपियों के बारे में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने रिको कॉलोनी क्षेत्र लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है। एक आरोपी आरओ प्लांट से महिला की स्कूटी लेकर पानी लेकर आया था। आरोपी आरओ प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वहीं आरोपी झुंझुनू शहर के एक होटल से खाना लेकर आए थे। इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। उसके आधार पर पुलिस टीमों द्वारा जयपुर में दबिश दी जा रही है। कोतवाली थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि आरोपियों के बारे में पुलिस को अहम जानकारी मिली। आपको बता दें कि शुक्रवार रात को झुंझुनू शहर के रिको आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली महिला की गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी थी।